रमज़ान के इस पवित्र महीने में सभी रोज़दारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और रमज़ान का महीना एक बहुत ही पवित्र महीना होता है और इसमें अल्लाह ताला सभी को नेक और बरकियत दे और रहमत बख्शे, ऐसी मेरी दुआ है। और जिस तरह कहा जाता है कि रमज़ान का महीना आत्मिक शुद्धि के लिए किया जाता है, तो सभी रोज़दारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ रहेगी कि कोई किसी भी तरह की बुराई आप लोगों को छू भी ना पाए। और जिस तरह से रमज़ान में सारे नरक के द्वार बंद हो जाते हैं, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, तो सभी व्यक्ति अपनी आत्मिक शुद्धि करते हैं भूखे प्यासे रहकर। आप देखिए बहुत लंबे लंबे घंटों में ये होता है, मतलब आप ही देखिए रोज़दार एक पानी तक नहीं के तो अपना थूक भी नहीं निकल सकता है, तो इतना कठिन परिश्रम अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए किया जाता है। और आज के वातावरण में ये बहुत ही प्रासंगिक लगता है, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ आप देखिए जिस तरह से एक दूसरे की झूठ और चुगली का जो माहौल बना हुआ है, उसमें अगर ये रमज़ान महीने में अगर रोज़दार इस तरह का कठिन परिश्रम करते हैं, किसी के बारे में बुरा तक नहीं सोचते हैं, तो इस तरह अपनी आत्मिक शुद्धि जो होती है, तो अल्लाह ताला उन सभी को नेकी दे, बरकत दे। और ये पूरा महीना जिस तरह से पूरे देश में अमन चैन की दुआ मांगी जाती है, तो वो अमन चैन भी कायम रहे। और इसके साथ ही मेरी तो ये दुआ रहेगी कि सभी रोज़दार जो भी अपने जीवन में जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं या आपस में अमन चैन की जो दुआ एक दूसरे को लिए मांगते हैं, वो सब चीज़ें कायम रहे और इस देश में अमन चैन इसी तरह बना रहे। इसी दुआओं के साथ मेरी तरफ से मैं शारदा सात बैरवा, PCC सचिव और पूर्व चेयरमैन अनाज मंडी, आप सभी को रमज़ान के इस पवित्र महीने की और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और ये ईद का त्यौहार आपके जीवन में और अधिक खुशियाँ लाए, आप जीवन में और अधिक तरक्की पाएँ और आप किसी भी तरह की सभी तरह की मतलब बुराइयों से आप सब दूर रहें। सभी रोज़दारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक।